कहाँ हाल है मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ सत्य राजपूत। तो आज हम दक्षिण उपचुनाव को लेकर बात करेंगे। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव है और नामांकन का डेट जो है कल खत्म हो गया है। ऐसे में 46 प्रत्याशियों ने जो है नामांकन दर्ज किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है एक सीट के लिए यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर है। ऐसे में 46 प्रत्याशी जो हैं निर्दलीय हैं, क्या ये समीकरण बनाएंगे या बिगाड़ेंगे या फिर ये दोनों पार्टी की रणनीति है वोट काटने की। ये तमाम मुद्दों के साथ बातचीत करेंगे और आम पब्लिक के बीच फिर आज हम पहुंच चुके हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? रामेश्वर प्रसाद चौधरी। अरे बाप रे रामेश्वर जी, जरा बताइए कैसा रहा चुनाव का मौसम? लग रहा है चुनाव का मौसम? मैं तो हमेशा ड्यूटी करता हूँ, चुनाव ड्यूटी मेरी लगती है, मेरे को मालूम है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा में मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ का मतदाते हैं? हाँ, यहीं का मतदाता हूँ, मेरे घर में 30 से 35 वोट है। अरे वाह, मतलब ये पूरा आप तो एक वार्ड लेके चल रहे हैं? वार्ड लेके नहीं, ये पूरा धोबी पारा है। हाँ। ये भैया बैठे हैं, वो बीमार पारा है। अच्छा। तो भैया बता देंगे आपको। अच्छा, चलिए ठीक है, हम पहले आपसे बात कर लेते हैं फिर उनसे कर लेंगे। पूछिए, पूछिए। तो क्या लगता है किसके किसके बीच जो है टकराव है? अभी सुनील सोनी जो है ना, थोड़ा सा अब पहले जैसे नहीं है, है ना। और नाम से जीतते थे बृजमोहन अग्रवाल जी, और उसको हम लोग तो दिल से भी थपा थप मारते थे। जैसे मेरी चुनाव ड्यूटी कट जाती थी तो मैं भी वोट डालने जाता था। सरस्वती, हम लोग का सरस्वती स्कूल है, और ये आपका आनंद समाज वाचनालय है, है ना। ये सारे बूथ हैं, और हमारे यहाँ जितना ज्यादातर मितानी लोग काम करते हैं। अच्छा। जो लेडीज लोग हैं ना हमारे मोहल्ले के, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, ये तो बता दो, आप जैसे बता रहे हैं कि भाई इस बार सुनील सोनी तो अब पुराने हो गए हैं, पुराने हो गए, तो टक्कर किस में लग रहा है, बीजेपी में कांग्रेस में दोनों के? देखो बीजेपी ऐसा है, अगर बृजमोहन कहीं घूम गया और लोटस लोटस किया तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। लेकिन इतना बता रहा हूँ, टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी। 40 प्रत्याशी बोल रहे हो ना, तो निर्दलीय वोट काटेंगे, निर्दलीय के द्वारा वोट कटे। तो ये ऐसा हो सकता है क्या कि बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया हो, कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया? नहीं, ये हाँ होता है ना, होता है ना? हाँ, क्योंकि पठान मोहल्ला है जैसे मुसलमान मोहल्ला है, तो वहाँ क्या करते हैं, मुसलमानों को जानबूझ के पैसा दे खड़ा किया जाता है ताकि वोट काटे, वोट काटे, उनका घर का वोट कांग्रेस को ना मिले। आप समझ गए, मतलब रणनीति चल रही है। रणनीति एक और समीकरण बनाएंगे, एक और बिगाड़ेंगे। हाँ, क्लियर है, रहता है, बिल्कुल सब जानता हूँ, मतलब एकदम सटीक। यहाँ रहने का फायदा है क्योंकि यहाँ जो है ना, अभी जैसे पिछले चुनाव जीते बृजमोहन अग्रवाल, कितने प्रत्याशी थे, मुस्लिम प्रत्याशी? कम से कम 52। अरे लमसम लमसम। और 52 प्रत्याशी के अगर खड़े हो शतक, तो अर्ध शतक में एक घर में 10 वोट तो होगी। वो वोट कट गए, हजारों वोट काट दिए, नहीं जीतता है बृजमोहन भैया को, है ना भाई, क्योंकि तो रणनीति है इस बार 46 लोग जो खड़े। हाँ, ये रणनीति ऐसा है बिल्कुल, और इतना है कि हम सुषमा जी का साथ देंगे। क्या नाम है आपका? विशाल धीवर। एकदम तालाब के नीचे पेड़ के पास, मतलब छाये में बैठे हैं, सुकून का पल लग रहा है, रिटायरमेंट जिंदगी चल रही है? रिटायरमेंट सर, प्राइवेट सर्विस वाला था, रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अच्छा। और 14-15 साल हो गया रिटायर हुए। अच्छा अच्छा। तो क्या माहौल लग रहा है अभी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर है माहौल कुछ? माहौल तो है सर, लेकिन क्या है, अब पुराना चेहरा जैसे कि अभी सुषमा मैडम जी खड़े हुए हैं निर्दलीय से, नया चेहरा देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो कुछ कर बैठे या कुछ कर जाए मोहल्ले में। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जीतने के बाद दर्शन ही नहीं देते सर। अब जैसे कि सुषमा, बीजेपी और कांग्रेस में लगता है आपस में टक्कर है कि दोनों नहीं है, निर्दलीय लोग जीत जाएंगे, क्या लग रहा है? वैसे तो टक्कर दोनों में है, लेकिन नया चेहरा देखने में आ रहा है, तो हो सकता है उनका पल्ला भारी हो जाए। हाँ। ऐसा कुछ है। तो बृजमोहन का जादू चलेगा नहीं चलेगा? बृजमोहन का जादू तो चलता ही चलता है, लेकिन हाँ। क्या है, टक्कर देने वाला अभी जैसे आकाश शर्मा जी हैं, हाँ। उनको उतना नया चेहरा टाइप का है जानते नहीं हैं। और सुनील सोनी जी तो महापौर भी रह चुके हैं, और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, तो टक्कर तो उन्हीं में है। तो टक्कर जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच है,
तो निर्दलीय जो हैं, जो 46 लोग जो है टोटल बीजेपी कांग्रेस और तमाम पार्टी को मिलाकर, तो क्या लगते हैं बाकी लोग को खड़ा किया गया है समीकरण बिगाड़ने बनाने के लिए? वैसी है सर, ये निर्दलीय प्रत्याशी लोग वोट काटने के लिए ही खड़ा करते हैं, सबसे ज्यादा इसी में होता है दक्षिण में, सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो देखिए लोगों के अब दिमाग में भी बैठ चुका है कि इतने सारे जो है निर्दलीय प्रत्याशी आखिरकार क्यों खड़े किए जाते हैं, और कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे शायद गुपचुप चाट समोसे के स्वाद चख रही हैं, उनसे भी बात कर लें। टेस्ट है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है, समोसा खा रहे हैं? जी जी। तो ये चुनावी स्पॉन्सर है कि खुद का खा रहे हैं? नहीं, खुद का खा रहे हैं। खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है, चुनावी माहौल है? लग तो रहा है, लग रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस में जीत रहे हैं कि कोई और जीत रहा है? आप सब अपनी अपनी जगह जीत रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे को आना चाहिए। अच्छा, 46 लोग मतदान वो किए हैं, मतलब नामांकन किए हैं। अच्छा, 46 प्रत्याशी हैं मैदान में। हाँ, 46 में अब देखो। पर नया चेहरा आना चाहिए। तो नया चेहरा आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? नए चेहरे में तो ऐसे बहुत है, लेकिन जो अग्रवाल करके हैं, सुषमा अग्रवाल, उनको हम जानते हैं थोड़ा बहुत, बहुत अच्छे हैं वो, ऐसी वो सेवा भावी हैं, तो शायद आ जाए इसमें तो कुछ सेवा करें। अच्छा, किस तरह की सेवा भावी? वो वैसे तो हर चीज में है वो, उनका उनको शुरू से ही अपने सेवा ये सारी चीजों में रुचि है, उनको देश के लिए कुछ करने की रुचि है उनको, तो यही सब। तो पहले क्षेत्र के लिए हो जाए। हाँ, ये तो है, क्षेत्र के लिए होगा तो देश का सेवा हो ही जाएगा। हाँ, तो ठीक है। क्या हाल है दादा, चल रहा है, समोसा खा रहे हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? खुदाई के। अरे खुदाई चल रहा है, दिवाली में चमका रहे हैं घर अपना की दूसरे का चमका रहे हैं? दूसरे का सर। अरे वाह, तो मजदूरी चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया। सुकून का चाट ले, टेस्ट है क्या बढ़िया? हाँ, आप भी खाइए। अरे अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, खाऊंगा तो बात कैसे करूं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक, बात कर लेते हैं फिर खाएंगे। कौन सा क्षेत्र के रहने वाले हो? इसी रायपुर क्षेत्र के। अच्छा, इसी में है। अभी चुनाव होने वाला है, अभी उपचुनाव। अच्छा, तो बीजेपी कांग्रेस किसको वोट देने वाले हो आप लोग? आप भाई जो शासन देगा वो हम लोग भी देंगे। नहीं नहीं, वोट तो आपको देना है ना, तब तो आप अपना प्रतिनिधि बनाओगे। तो अभी बीजेपी का ही चल रहा है सर। अच्छा, बीजेपी का ही चल रहा है सर। हाँ। क्या दादा, किस क्षेत्र से हो आप? एक क्षेत्र। अच्छा, समोसा खिला रहे हैं सबको? हाँ, जी। क्या बात है, तो पहले कितने साल से समोसा बेच रहे हैं? मैं तो अभी तक चल रहा है 65। 65 चल रहा है, 65 साल से। और यहाँ पे, और यहाँ पे कब से बेच रहे हैं? पहले का। आप समोसा 65-60 ठेले में ही बेच रहे थे, अभी भी ठेले में बैठ रहे हैं, आपका विकास कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। बीजेपी के जो है कितने साल के यहाँ थे? 6 बार 7 बार 8 बार? कितने बार? 8 बार। फिर भी विकास नहीं किया आप, तो आप इस बार किसको वोट दोगे? बिजमोहन को ही वोट देंगे। क्यों भाई, आपका तो कुछ विकास नहीं हुआ। तो काम कर रहे हैं ना जी, तालाब बनाया है ना, तालाब बनाया है, तालाब बनाया है इसलिए वोट देंगे। और क्या बनाना चाहिए? हम बोल रहे थोड़ा दुकान जैसे बना के। आपको दुकान चाहिए? हाँ जी। जो है कितना, 8 बार रह चुके हैं, अभी तक दुकान नहीं दिया, 30 बार लगता है, क्योंकि वो इस बार तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सुनील सोनी लड़ रहे हैं। तो किसको वोट देंगे आप? वही जीतेगा जी, भाजपा। भाजपा को ही देंगे, पारंपरिक वोटर है। पहले किसे देते थे? उसी को, उसी को देते थे। कितने बार दे चुके? 8 बार हो गया। 8 बार हो गया, गजब। तो देखिए, समोसा बेचते बेचते 60 साल हो गया है, और जहाँ पे पहले बेचते थे आज वहीं पे है, और फिर भी बीजेपी पे जो भरोसा दिखा रहे हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनका जो है चल रहा है। कौन लाइस दाई तो लेना धर के है? कौन लाइस है? सुषमा अग्रवाल। हाँ। कहा इतनी बार गए हो वोट देना है? सब ला तो माला देते रहे हैं। हाँ। अब ऐसा ही लौट देबो। हाँ। अग्रवाल पहली काला देते रहे, अब जौन जीती तो ला देते रहे हैं। दे जौन जीती तेला देते रहे हैं तो है। नेता मन के बोली बोले लगे थे, तो का नेता बोली बोले बने बोला था बाबू, चुनाव लड़ लेते इस नाम तो बढ़िया जनतलते हैं वो कर लेते। अब देबो ना सुषमा अग्रवाल, देबो 50 साल से देवा थे बोला, अबेला देबो सुषमा अग्रवाल। तो तोर क्षेत्र में का विकास होना चाहिए दाई? सब चीज के का बचे?
पानी हमारे देश में सब अभी तक खंगे है उकारा कहे करे कुछ देवत नहीं बांस बल्कि सारी चीज तो देवत नहीं है कहीं हमन कमा था हो नाम कौन कौन खड़े है काला काला जान था सुनी सोनी सुनी सोनी हाँ बीजेपी वाले वो का करते रहो कांग्रेस ले आकाश बाकी 46 जन खड़े हाँ बोला मैं नहीं जाना 46-47 जन ला अभी नया खड़े है देना देना है अच्छा हाँ तो बातचीत का दौर जारी है और मतदाता का मन जो है हम टटोल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका मूड है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रायपुर के भी नहीं रायपुर में तो रायपुर में ही खड़े हो आप अश्वनी नगर दक्षिण में आता है जी जी। कितने बार मतदान दिए किसको आप मतदान किए? हम लोग वैसे बीजेपी को दिए अभी तक लेकिन आप सोचते हैं कि हम कुछ नए लोगों को दे। अच्छा कुछ नए में तो कांग्रेस के आकाश भी है सुनील सोनी भी है बीजेपी से तो आप किस तरह के नया चाह रहे हैं? हम चाहेंगे हम लेडीज को दे वो भी सुषमा अग्रवाल। अच्छा सुषमा अग्रवाल तो ये क्या निर्दलीय प्रत्याशी है किसी पार्टी से है? नहीं निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा निर्दलीय है क्यों देना चाह रहे हो? अब इतने साल से तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है तो कौन अपना काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कुछ नए को दो तो फिर शायद हो सके वो खरे उतरे अपने इस काम में। अच्छा क्या उम्मीद है? अब उम्मीद तो है अरे भाई उम्मीद तो है क्या उम्मीद है क्या काम करवाना चाहते हो भैया? मिल सके और अब की बार हो जैसे एक औरत तो घर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है? मिल रहा है जरूर मिल रहा है पर ऐसा हो सकता है कुछ जब नए चेहरे आते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं हर चीज की शुरुआत नए चीज से होती है तो अब की बार सुषमा अग्रवाल। अच्छा अब की बार सुषमा अग्रवाल कौन लेके आया आपको यहाँ? मुझे कोई नहीं लेके आया हम तो समोसे खा रहे थे। अच्छा, समोसे खा रहे हैं हम तो समोसे पर ही चर्चा कर रहे हैं आपसे। जी जी हम लोग तो माता के दर्शन करने आए थे फिर अच्छा खा रहे थे यहाँ पर। अच्छा माता की दर्शन कौन से माता? कंकाली तालाब आए थे दर्शन करने के लिए माँ के। अच्छा तालाब की माँ की? माँ की मतलब दो तीन लोग से बात किया सुषमा अग्रवाल तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी भर लाओ और मीडिया से बात? हमारे पास ये सब फालतू टाइम नहीं है जो हम लोग ऐसे करे। हाँ तो क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद ये है कि सभी के लिए अच्छा करेंगे यही है और क्या है। तो देखिए जो है मतदाता के मन हम टटोलते हुए जो है कंकालीन तालाब में है और आगे भी चलते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ जो है मतदाता के मन में है और वो क्या विचार कर रहा है और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं इनके पीछे का राज क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। चलते हैं किसी अन्य जगहों पे हम बातचीत का दौर जारी रहेगा मतदाताओं का मन टटोलते रहेंगे। उपचुनाव में चुनावी बिसात जो है बीत चुका है और 46 मोहरे जो हैं अब लड़ने के लिए तैयार हैं नामांकन जो है दर्ज कर चुके हैं और किसका पलड़ा भारी है ये बातचीत हम करते हैं। ये चुनाव हो रहा है उपचुनाव तो कौन लग रहा है टक्कर में लग रहा है बीजेपी कांग्रेस की कोई और? अब हमारा तो उतना नहीं मालूम भैया कहा जान थो बोले काला वोट दू काला वोट देबो कमल ला काला वोट दू हमन देबो कमल ला भाई। अच्छा कमल ला आप काला बोर्ड दू कमल ला। अच्छा कमल वाले हो सब पहली भी हुई कमल ला दे? हाँ काबर कमल ला दे था अब काबर अब आए खाए हस चाउर खा था अच्छा चाउर देते हाँ अब का देते पैसा देवा थे हाँ है नहीं दो भतारी वंदन योजना के मिला थे हाँ मिला थे वही तो कहा आओ मिलते हाँ मिलते काका मिलते वही महतारी योजना चावल मिला थे हाँ चावल शक्कर नमक। कौन है प्रत्याशी बीजेपी के? वही तो है बोला हूँ मैं नहीं जाना। कौन है प्रत्याशी बीजेपी के? ये तो है अरे का ब्रिज मोहन अग्रवाल नहीं नहीं वो तो अब सांसद बन गए वो हटी से तब चुनाव नाम नहीं है नहीं है देखिए मतदाता जो है मतदान करने के लिए तो तैयार है लेकिन यहाँ पे हालात जो ये है कि अभी प्रत्याशियों का नाम भी इनको नहीं पता है और जो पारंपरिक वोटर हैं वो अपने परंपरा अनुसार जो है वोट जो है करेंगे तो और यहाँ पे जो है निर्दलीय हैं निर्दलीय प्रत्याशी वो कितने समीकरण बनाएंगे और कितने बिगाड़ेंगे किसके पक्ष में फायदेमंद होंगे निर्दलीय प्रत्याशी ये बातचीत करते हैं।
क्या आप भी चुनाव में खड़े हैं? जी सर, मैं भी चुनाव में। क्या नाम है आपका? श्रीमती सुषमा अग्रवाल। अच्छा, सुषमा अग्रवाल। तो किसी पार्टी से हैं? निर्दलीय? नहीं, मैं निर्दलीय खड़े। अच्छा, निर्दलीय। हम ढूंढ ही रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी। जी, तो सुषमा अग्रवाल और ब्रिजमोहन अग्रवाल रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, कहीं से भी कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, नहीं है। नहीं, ज्यादातर जैसे चर्चा होती है ना रणनीति को लेकर अगर बात करते हैं तो जो है कहा जाता है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल बहुत सारे लोगों को खड़ा करते हैं, ऐसा चर्चा में है, लोग बताते हैं। तो आप अपने से खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने से खड़े हो रही हूँ और किसी भी पार्टी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, किसी भी कोई भी पार्टी रहे चाहे। अच्छा, तो मत जो है मतदाता आपको मतदान क्यों दे, आपको वोट क्यों करें, क्या वजह है? मैं ये बोलना चाहती हूँ सर कि दक्षिण में शुरू से दो ही पार्टी आई है, मतलब बीजेपी ही आई है। हाँ हाँ। और मेन पार्टी दो ही रही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो काम बीजेपी ने भी काफ़ी अच्छा किया है, जो भी पार्टी आई है काम अच्छा ही करती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं आने के बाद जो पहले पार्टी काम की है उससे और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करूँगी। और चूँकि सभी क्या काम सोच के रखे हो दक्षिण के लिए? और चूँकि सभी चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा आए और एक महिला आए करके, तो उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि लोग मुझे वोट देंगे। नहीं नहीं, तो क्या क्या काम करूंगी वो तो बताइए। देखिए, एक महिला होने के नाते पहले तो मैं महिला सशक्तिकरण के रूप में कार्य करूंगी, जैसे महिलाओं का लघु उद्योग खुलाना, उनके छोटे छोटे उद्योग खुला के काम देना। और जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिकायतें क्या है, सड़कों की है, जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं, नाले खुदे पड़े हैं। आप बताइए, बरसात में एक गड्ढा या नाला खुदा हुआ है उसमें अगर बरसात में पूरा भर जाता है तो आप अगर गिर भी जाएंगे नाले में तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ की दक्षिण की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो वो सब भी देखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्कूल में, आप एक बात बोल रहे थे कि भाई हमेशा से बीजेपी का ये गढ़ रहा है और ये सभी जानते हैं, तो बीजेपी का गढ़ रहा है, कांग्रेस का है, आपस में दोनों का टक्कर है, तो आपको क्यों लगता है आप जीत जाएंगे? इसलिए तो जीतूंगी ना सर, क्योंकि हमेशा क्या है 50-70 साल से बीजेपी कांग्रेस हो रहा है, तो लोग चाहते हैं कोई नया आए और हमारे लिए काम करे। क्योंकि देखिए, मान लो लोग काम नहीं भी करते हैं तो लोगों की मजबूरी रहती है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। तो जब कोई नया ऑप्शन नहीं रहता था, ऑप्शन नहीं रहता ना, अगर ऑप्शन रहता तो लेकिन हर बार तो यहाँ से 50 से 52, 25, 50 लोग खड़े होते हैं प्रत्याशी। हाँ, तो उन्होंने उनका मतलब दम काम करने का तरीका होना चाहिए ना कि उन लोग इतना काम करेंगे करके। और मैं आऊंगी तो मैं निश्चित तौर पे काम करूंगी और बहुत बहुत अच्छा काम करूंगी, जो आज तक कभी भी किसी पार्टी ने नहीं किया होगा पूरे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, जो किसी से नहीं किया वो आप कैसे कर लेंगे? बिल्कुल करूंगी सर, मैं आई इसीलिए रही हूँ। रणनीति नहीं बताएंगे क्या? रणनीति है ना, मैं बताऊंगी ना भाई। रणनीति यही है कि अपना भाई जो भी यहाँ पे जैसे सड़कें हुई यहाँ का, और यहाँ पे जैसे मैं एक स्कूल में मैंने 2-3 बार न्योता भोज दिया था, वहाँ की स्कूलों की हालत इतनी जर्जर हो गई है, आप उस स्कूल में जाके आप बैठ नहीं सकते। मैं खुद इस स्कूल में गई थी, तो वो सब स्कूलों की रिपेयरिंग करानी, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ों को ठीक करना। यहाँ की समस्या क्या है दक्षिण का? दक्षिण की मेन समस्या ये है सर, जगह जगह गड्ढे हैं, नाले हैं, स्कूल की हालत ख़राब है, और महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है, तो यही सब समस्याएं हैं। जो रोजगार के अवसर कैसे करेंगे? रोजगार के लिए तो आवाज़ उठाना ही सर, क्योंकि देखिए पहले सबसे मेन समस्या वही है, पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या, बात दक्षिण की नहीं है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस आई, कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी नहीं दी, और जो भी भर्ती होती थी कोर्ट केस में फंस जाती थी, जानबूझ के ऐसा किया जाता था। तक पहले 76% आरक्षण है, पता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है, लेकिन जानबूझ के ऐसा किया गया कि 76% आरक्षण ले आए, ताकि भर्ती निकले, बच्चे कोर्ट केस जाएं, तो युवा पढ़ाई करेंगे कि कोर्ट केस जाएंगे, क्या क्या करेंगे। हर बीजेपी का भी वही हाल है, एक साल से कुछ नहीं मिला। उसके बाद युवाओं ने, हम लोगों ने, सब ने आवाज़ उठाई और हमने बीजेपी को जिताया, सब लोगों ने, हर जगह हम लोग सब ने कहा कि नहीं, कांग्रेस युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, हमको बीजेपी को जिताना है। लेकिन अफसोस, बहुत बहुत अफसोस कि बीजेपी भी आने के बाद उसी रणनीति पे चल रही है, कहाँ भी बीजेपी वैकेंसी निकाल रही है, है सिर्फ मतलब बुद्धू बनाना, जो बोलते हैं ना बेवकूफ, कोई अंतर नहीं, दोनों चोर मौसेरे भाई निकल गए। मैं यही करूंगी, दोनों पार्टी वही कर रहे हैं, इसलिए एक निर्दलीय को आना जरूरी है, ताकि वो अपनी आवाज तो कम से कम उठाए, डर तो बैठे, इनको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है 5 साल बाद कांग्रेस, फिर 5 साल बाद बीजेपी। कहाँ रहते, कहाँ? मैं रहती तो पश्चिम समता कॉलोनी। अच्छा, पश्चिम से रह रहे हो, दक्षिण से लड़ रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका यहाँ पे लोकप्रियता कैसे, मतलब लोगों के बीच कैसे, मतलब पहचान पहले से है, काम पहले से कर रहे हो, तैयारी पहले से है, क्या है? नहीं देखिए सर, बहुत ज़्यादा काम तो यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैं 6-7 साल से सोशल वर्क में हूँ, और छोटे छोटे सोशल वर्क कर रही हूँ, जैसे कभी किसी स्कूल में कुछ दे दिए, कभी अनाथ आश्रम में कुछ दे दिए, कभी चलते हुए लोगों को मठा पिला दिए, ये सब है, कभी अपन अंधे। तो देखिए, यहाँ पे जो है प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, और ये जो है चुनाव में
प्रत्याशियों की संख्या की कमी नहीं है, तो कहीं प्रत्याशी जो है रणनीति के तहत खड़े किए गए हैं, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी दोनों पार्टी से परेशान हैं, उनके कामकाज से परेशान हैं, इसलिए खड़े हैं। जब दो चार निर्दलीय हो तो समझ में आता है कि पार्टी से रूठे हैं लोग जो है चुनाव कर रहे हैं। जब संख्या एकाएक 50 तक पहुँच जाए तो जाहिर सी बात है इसके पीछे का कुछ राज है। ये जानने के लिए हम निकले हुए हैं, आम मतदाता के बीच हैं। कहाँ अभी हम कहाँ पास हैं, जगह क्या है? ये लाखनगर है, लेकिन ये गांधीनगर है, लाखनगर का। ये अपना अभी नया वार्ड में शामिल हुआ है। अच्छा, ये नया वार्ड में बन गया है। अच्छा, ये दक्षिण में आता है ना? दक्षिण तो मतदान करेंगे, मतदान करते हैं। तो यहाँ की समस्या क्या क्या है, जरा ये समस्या क्या है? देखिए, यहाँ केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, सरकार राज्य सरकार भी है, पार्षद भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के है। सड़क को देखो, सड़क के क्या हालत है ना। इधर गली का देखो, यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे वो जर्जर हो गया है। उसका स्कूल सामुदायिक भवन है शादी का, यहाँ लगता है। और यहाँ पे आंगनबाड़ी है, वो भी जर्जर है। वहाँ आंगनबाड़ी यहाँ पे लगती है, यहाँ रोज पार्टी होती है, लेकिन पूरा गंदगी फैला हुआ है। आप किचन में जाकर समाधान नहीं हुआ है, सब समस्या कब से नहीं हो सकता है। कोई किसी से मांगे नहीं, बताए नहीं, जब सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, पार्षद बीजेपी का, तो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आते हैं सिर्फ पार्षद के चुनाव के समय आते हैं। हाँ। पार्षद तो सकल दिखाए नहीं है। अच्छा, चुनाव के समय जो है खुद पैर पड़ते हैं और बाद में आते हैं, कभी सकल नहीं दिखाए हैं। नहीं, पहले खुद पैर पड़ते हैं और बाद में पड़वाते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सड़क पास हुआ है बोलते हैं 4 साल से, लेकिन इस सड़क का कोई हालत बेकार है। अच्छा, उपचुनाव के रण में 46 जो है लोग जो है नामांकन भरे हैं, और ऐसे में एक सवाल उठता है कि इतने सारे प्रत्याशी क्यों? तो हम पब्लिक से भी जाना और जो है खुद प्रत्याशी कांग्रेस से उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे हम यही समझना चाह रहे हैं कि इतने सारे निर्दलीय प्रत्याशी क्यों, क्या लगता है आपको? सत्ता शासन है, सत्ता शासन के लोग हैं, इतना वो कहते हैं ये बड़े बड़े। मैंने पहले कहा था ये चुनाव जो है बहुत बड़े लोगों का और बहुत एक छोटे से हम सामान्य वर्ग के लोगों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके पास जन दल बन दल से गोत है, और उस तरफ जो है एक तरफ मेरे साथ है जो मैं दक्षिण विधानसभा का, मैंने पहले कहा कि इस बार टिकट इसे दक्षिण विधानसभा के बच्चे को मिली है, तो जो है एक तरफ माताओं का आशीर्वाद युवाओं के साथ है। तो सब लोग अपने धन के प्रयोग से प्रयास करते हैं, लेकिन जनता समझदार है। दिक्कत गलती निर्दलीय प्रत्याशी स्वयं खड़ा हुए हैं कि खड़ा किया गया है किसी के द्वारा? ये दक्षिण विधानसभा के हर लोग जानते हैं, आप में भी जानते हैं, राजनीतिक परिस्थिति भी जानते हैं कि क्यों खड़ा हुआ कराता है, उनको क्या करता है, किस प्रकार से इन्हें जो है वोट काटने के लिए खड़ा कराया जाता है और क्यों खड़ा जाता है, किस प्रकार से वोट कटा ये काटें। और लेकिन जनता समझदार है। निर्दलीय प्रत्याशी के होने से बीजेपी को फायदा है, कांग्रेस को नुकसान है, या कांग्रेस को फायदा है, बीजेपी को नुकसान है? मुझे तो लगता है जनता समझदार है। मुझे लगता है किसी को फायदा नहीं, जनता समझदार है कि ये सब जो वोट कटवा लोग हैं ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो है सत्ताधारी लोगों द्वारा जो ये एक अपनी हार को बचाने के लिए इस प्रकार से एक प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका वैसा नहीं मिला। जनता समझदार है, जनता सीधा जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेगी। जनता सुनील सोनी को वोट देना चाहती तो वो अपने वोट बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है वोट ना मिले मुझे भले, लेकिन सामने वाले को ना मिले, इसके पीछे एक बड़ा रणनीति होता है कि वोट काटने के लिए निर्दलीय खड़ा कर दो। तो अब और भी जनता के बीच पहुँचते हैं और समझते हैं कि जनता का क्या रुख है इसको लेकर, क्या वाकई में ही कि ये वोट काटने के लिए निर्दलीय को खड़ा किया जाता है, तो चलिए पता करते हैं। तो हम सुंदरनगर पहुंच चुके हैं और सुंदरनगर के लोगों के मन में क्या है ये तो जानेंगे, साथ में जो निर्दलीय के पीछे किसका हाथ होता है, क्या निर्दलीय स्वयं खड़ा होता है या खड़ा किया जाता है, ये हम आज पड़ताल कर रहे हैं। और कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो देख रहे हैं कि कल नामांकन का आखिरी दिन था और 46 लोगों ने फॉर्म भरा है कांग्रेस बीजेपी को मिलाकर, तो क्या लगता है? अब हम सभी जानते हैं कि सीधा टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो बाकी लोग क्या नाराजगी में भरते हैं या कुछ रणनीति होता है इसमें? तो भैया सीधा से दिख रहा है कि ये बीजेपी की रणनीति है। पिछले 7 बार से आप देखेंगे कि बिजमोहन अग्रवाल जी विधायक रहे हैं, उन्होंने हमेशा वोट काटने के लिए यहाँ के लोकल लोगों को करके, है ना, जो पारिवारिक उनकी वोट है, अगर एक आदमी के पास 5 वोट भी है, उन्होंने 10 आदमी खड़े कर दिए तो 5 वोट कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। तो ये रणनीति है बीजेपी की। कैसे पता चल जाता है कि कांग्रेस का वोट है जिसको काटना है? भैया वो यहाँ के सीनियर विधायक रहे हैं, उनको पूरी आइडिया है, समीकरण को सब पता है, है ना, कितना मिलता है, कहाँ से कितना मिलता है, उनको सब पता है। और वो यहीं विधायकी कर रहे हैं तो उनको सब आइडिया भी है।
तो ये रणनीति है बीजेपी की। थ्री अच्छा, रणनीति है कांग्रेस की नहीं है? नहीं, कांग्रेस कोई रणनीति नहीं है भैया। कांग्रेस तो युवा चेहरा लेके आया है और छत्तीसगढ़ के लिए अब युवा ही काम करेगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको किसकी रणनीति है ये? ये आमतौर पर बीजेपी की रणनीति है। एक्चुअल में क्या है, जो जितना बहुमत संख्या से जो जीतता है उसका कारण वही है। वो जो अच्छा, जिस क्षेत्र चीज है कि देखिए ज्यादातर जो निर्दलीय मुसलमान है, तो क्या है मुसलमान मतदाता ज्यादा है क्या? मुसलमान हैं, ज़्यादा तो हैं। वो क्या करता है, जैसे अपोजिट पार्टी जो है वो एक्चुअल में वहाँ के आम लोगों को खड़ा कर देता है। जैसे मुसलमान जैसे संख्या में ज़्यादा है, वहाँ के दो चार आदमी को खड़ा कर दिया, वो क्या अपना परिवार का और आसपास के लोगों का वोट वो काट देता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ बीजेपी का कुछ कांग्रेस से कटता है, लेकिन हमारा वोट ज़्यादा कटता है उसमें। तो हमारा वोट मतलब कांग्रेस से जुड़े हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का कटता है, उसमें से कांग्रेस को नुकसान होता है। जी तो आपको क्या लगता है, ये ऐसा राजनीति ठीक है कि कैसा राजनीति होना चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा राजनीति होना नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या है, इतने सारे लोगों को खड़ा करना, फिर उसके बाद रणनीति बनाना, फिर काटना, वो उचित नहीं है। दोनों के बीच में होना चाहिए। क्या है, इसमें जनता जिसको चुनना चाहती है उसको एक्चुअल में वो नहीं हो पाता। तो आम मतदाता होने के नाते क्या लगता है आपको कि भाई कौन किस पे भारी लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी? अब जैसे यहाँ पे 7-8 बार का विधायक रह चुके बृजमोहन, वो सुनील सोनी को लड़ा रहे हैं, और कांग्रेस से जो है आकाश जो है नया है, तो क्या लगता है कौन किस पर भारी है? अब इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो अब 8 बार के विधायक रह चुके हैं और इनको बार बार मौका दिया जा चुका है। अभी नया चेहरा है, युवाओं का थोड़ा सा उम्मीद है कि एक बार आकाश शर्मा जी को दे वोट, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो देखिए, युवा जो हैं आजकल राजनीति में भी आगे जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे राजनीति होती है, कैसे जो है पूरे रणनीति जो है तैयार की जाती है। तो जीतने के लिए जो है निर्दलीय, इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है कि सामने वाले के वोट काटो और अपना वोट बढ़ाओ। जहां से आपको वोट नहीं मिल रहा है वहां जो है सामने वाले प्रत्याशियों को भी वोट ना पड़े, इसकी रणनीति जो है रची जाती है। अब देखना यही है कि जिस तरह से कांग्रेस में भी यही आरोप लग रहे हैं और बीजेपी भी यही आरोप लग रहे हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के वोट काटने के लिए जो है निर्दलीय प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। लेकिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपने से खड़े हो रहे हैं, जो कांग्रेस से भी नाराज हैं, या जिसले पिछले 5 सालों में जो युवा वर्ग के लोग थे वो भर्ती नहीं होने से नाराज थे और वो बीजेपी को लाए, लेकिन अब बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल को देखते हुए वो अब बीजेपी से नाराज हैं और वो चाह रहे हैं कि अब जो है बीजेपी ने भी उनका काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी उनका काम नहीं किया, तो अब वो स्वयं जो है मैदान में उतरना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है निर्दलीय, आज हम बता रहे हैं कि निर्दलीय क्यों मैदान पे आते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, ये आज हम जान रहे हैं। आपने सुना देखा कि मतदाता अब जो है समझदार हो गए हैं। अन्य किसी मुद्दों के साथ आज हम आपके बीच फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जोहार।